भाविका शर्मा ने अपने शो पर किया खुलासा। आखिर किस तरह से मिला उन्हें गुम है किसी के प्यार में का लीड रोल? शक्ति अरोरा के कैरेक्टर के सीक्रेट पर क्या कुछ किया है उन्होंने रिवील। हेलो गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल और आप देख रहे हैं टेली रिपोर्टर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टार प्लस के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में जनरेशन लीड आने के बाद यहां पर शक्ति अरोरा, सुमित सिंह और भाविका शर्मा तीनों मेन लीड रोल में नजर आ रहे हैं, जहाँ पर विराट और सई की बेटी यानी सवि का किरदार निभा रही है भाविका शर्मा। भाविका शर्मा को पहली बार इस तरह के मेन लीड फुल फ्लेज रोल में देखा जा रहा है। काफ़ी सारे फैंस भी आए दिन सोशल मीडिया पर उन पर प्यार बरसाते रहते हैं। अपने हाल ही में दिए इंटरव्यू में भाविका शर्मा ने अपने कैरेक्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुलकर बातचीत की है। उनका कहना है कि वो अपने रियल लाइफ सेल्फ को अपने कैरेक्टर सवि से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती हैं। सवि एक IPS ऑफिसर बनना चाहती है अपने पापा की तरह। साथ ही साथ भाविका शर्मा की जो लाइफ यानी सभी की लाइफ में काकू है यानी कि भवानी, वो इसको बिल्कुल भी पूरा होने नहीं देना चाहती है। वो चाहती हैं कि वो जल्द से जल्द शादी करके अपनी ज़िंदगी बसा ले और सभी की तरह उसकी ज़िंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स ना आए। अपने प्लॉट को लेकर भाविका शर्मा ने रिवील किया है कि ये शो का जो स्टोरी लाइन है उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है और उन्हें अच्छा लगता है कि उन्हें फैंस उनको इस तरह के कैरेक्टर में देख पा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आगे चलकर शक्ति अरोरा के कैरेक्टर यानी कि ईशान संग उनकी शादी तो हो जाएगी, लेकिन उसे नहीं लगता कि शक्ति अरोरा यानी कि ईशान सभी के सपनों में उसका साथ देगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सभी की लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। IPS ऑफिसर बनने के लिए उसका हस्बैंड ईशान इसकी मंजूरी नहीं देगा। आने वाले प्लॉट को लेकर जो कुछ खुलासा किया है भाविका शर्मा ने और भाविका शर्मा का रोल आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।